अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अजर हो, अविनाशी हो, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। अमर है, अविनाशी है, आज इस शरीर में है, इससे पहले क्या हम सबकी मृत्यु होगी? किस किस को पक्का है कि हम मरेंगे? पक्का है, गुड। ये रोज पता होना चाहिए कि हमने ये शरीर छोड़ना है। लेकिन जब वो शरीर खत्म होता है तो वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, अजर अमर अविनाशी आत्मा, वो एक शरीर छोड़ती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा आता है। बैठ जाओ, कैमरा नहीं करो, बोलते जाओ। वो फिर भी अपना करते जाएंगे। क्यों करते जाएंगे? क्योंकि उनको जो सही लग रहा है वो करेंगे, गलत कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उनको कितनी बार भी कहो उठो नहीं, बैठ जाओ, सब लोगों का ध्यान बढ़ता है, एक तरफ बैठ जाओ, वो फिर भी अपने आप करते रहेंगे। दूसरा क्या नहीं जाने वाला है? ना। पैसा नहीं जाने वाला है, पक्का है ना? हाँ, गुड। औधा नहीं जाने वाला है, मकान नहीं जाने वाला है, शरीर भी नहीं जाने वाला है, पढ़ाई भी नहीं जाने वाली है, बच्चे को फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। इधर हमने ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, PhD सब कुछ कर लिया, शरीर छोड़ा, फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे साथ जाती है, हमारे संस्कार और हमारे कर्म। और इसीलिए बच्चा पैदा होते ही 2 दिन के अंदर जन्म पत्री बन जाती है। बच्चे ने कोई कर्म किया उस जन्म पत्री बनने के लिए? भाग्य हमारा कौन बनाता है? भाग्य तो हमारे कर्म से बनता है। बच्चा पैदा हुआ, उसने कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक, उसको नाम भी नहीं मिला शब्द, लेकिन उसकी जन्म पत्री बन गई। हम में से किस किस के पास जन्म पत्री? आप तो कभी पूछा नहीं पंडित जी से कि कैसे बनी ये पहले दिन पर। अरे वाह, आपका तो बड़ा कमाल का शहर है, ऑलमोस्ट सबने हाथ उठा लिए कि एक दिन कर लेंगे। वेरी गुड। जब हम एक दिन ये करेंगे तो उस एक दिन के अंदर आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी? करो हाथ ऊपर। आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब एक दिन आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, अगले दिन उसको करना और भी आसान हो जाएगा, उसके अगले दिन करना उसको और भी आसान हो जाएगा। 15-20 दिन के अंदर आदत पड़ जाएगी। इतना आसान सा काम हमने नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ एक डीप यहाँ की हमारी सोच, और वो सोच ये कहती है कि मेरे यहाँ जो चल रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? हम उंगली कहाँ रखते हैं? यहाँ जो चल रहा है, मेरी सोच, मेरी भावनाएं, ये बात को रोज 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 रिवाइज करना चाहिए कि मेरे साथ क्या जाने वाला है, मेरे संस्कार, मेरे कर्म। फिर से बोलो एक बार, क्या जाने वाला है मेरे साथ? मेरे संस्कार, मेरे कर्म। अब फिर आंख बंद करो और आज के दिन देखो, और देखो कितने गलत संस्कार और कर्म हुए आज के दिन के अंदर। गुस्सा किया, कर्म, निंदा की, कर्म, किसी के लिए गलत सोचा, गलत सोचा मतलब ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करते हैं, कर्म, चिंता की, कर्म। आज सिर्फ एक दिन को चेक करो कितने कर्म हो गए। वो जो बातें हैं जिसके लिए मैंने वो कर्म किए, वो बातें मेरे साथ नहीं जाने वाली हैं। वो लोग जिनके लिए मैंने वो कर्म किए, वो लोग मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन आज सारा दिन में आपने जो दाग अपने ऊपर लगा दिए, वो दाग आपके साथ जाने वाले हैं। और जब वो बच्चा पैदा होगा और जन्म पत्री बनेगी, तो पंडित जी कहेंगे वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा भारी है, इधर थोड़ा भारी है, उधर थोड़ा भारी है,
फिर हम पंडित जी को बोलते, पंडित जी कुछ तो करो, सब ठीक हो जाए। कर्म कौन करके आया था, भाग्य किसने बनाना है? फिर हम उनको बोलते हैं कुछ ठीक करो, फिर वो हमें कुछ उपाय दे देते हैं, हम उपाय कर लेते हैं, अगले दिन हम वैसे कर्म वापस करते रहते हैं। तो इसलिए उन नींबू का ध्यान रखना, अर्थात ये ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए नींबू नहीं गिरना चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चा नहीं गिरना चाहिए, मटका गिरे तो गिरे, बच्चा नहीं गिरे मटका फिर आ जाएगा। सब कुछ टेम्पररी है, सिर्फ यही फाइनल परमानेंट है। कौन सी चीज? मेरे संस्कार, मेरे कर्म। बोलो जरा इसको अच्छे से ताकि हमें रिकॉर्ड हो जाए। कौन सी चीज परमानेंट है? सिर्फ मेरे संस्कार, मेरे कर्म, मतलब वो नींबू, वो ही परमानेंट है। हो गया, एक को आना हो दूसरे का मन ना हो आने का, उस पर भी झगड़ा हो सकता है। हम कहते हैं मेरे को इतना मेरे लिए नहीं कर सकती, मेरे को जाना है, मैं क्यों लेके चलो। कहते किधर जाना, बेकार की बातें होती, कुछ नहीं होता करते हैं। रोज हम उसी बात पर उलझते हैं, रोज हम उसी बात। इतनी बार बोला समझ में नहीं आ रहा कि नहीं चलना फिरता है। वो कहेगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कल मुझे। तो कुछ क्षणों के लिए अपने आप को देखे, यहाँ प्रकृति के बीच एक चमकता हुआ सितारा। ऊपर देखो आकाश में सितारा, और फिर यहाँ ध्यान केंद्रित करो प्रकृति के बीच मैं चमकता हुआ सितारा। ड्रोन बंद कर देंगे, ड्रोन नहीं चाहिए। हम उसको सुने और